हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो आज हम बात करेंगे कि nth हाईएस्ट सैलरी निकालना तब जब सैलरी डुप्लीकेट हो, राइट। जैसे अगर आपने मेरे पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि nth हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालना है, तो उस केस में हमारा क्या होता था, सैलरी यूनिक होती थी। लेकिन आप लोग में से जो एक व्यूअर है उन्होंने ये कमेंट किया था कि डुप्लीकेट के केस में तो ये जो आपने कोड लिखा है वो फेल हो जाएगा। मैंने कहा ये बात तो सही है, तो उन्होंने बोला था कि उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कि nth हाईएस्ट सैलरी हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैं यहाँ पर उसका लिंक दे दूंगा। अदरवाइज मैं इसमें भी उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो ये अपना एक एम्प्लॉई क्लास है जहाँ पे आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट एज है, जेंडर है, सैलरी और एड्रेस है। सैलरी अपना डबल में है। nth हाईएस्ट सैलरी जैसे हमने पिछले वीडियो में निकाला था, तो बस मैं एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। हम लोग सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल रहे हैं, राइट। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी 40,000 है, आंसर भी हमारा 40,000 आया है, राइट। अब अगर मान के चलिए कि मैं जैसे कोई डुप्लीकेट बना दूँ, इसमें इसको ही 40,000 बना देता हूँ, 4,000 40,000, ठीक है, 40,000 बना दिया। अब जैसे हमारा ये फर्स्ट हाईएस्ट, ये हुआ सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट और ये फोर्थ हाईएस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम मान के चलिए फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट भी निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड हाईएस्ट तो निकाल ही रहे, थर्ड हाईएस्ट निकालते हैं। थर्ड हाईएस्ट निकालने के लिए हम लोग दो स्किप कर देंगे, तो हमारा थर्ड हाईएस्ट आना चाहिए, राइट। लेकिन हो गया गलत। देखिए हम लोग निकाल रहे हैं थर्ड हाईएस्ट, राइट, दो स्किप कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट हाईएस्ट हुआ, ये सेकंड हाईएस्ट हुआ, हमारा थर्ड हाईएस्ट ये होना चाहिए। लेकिन आ क्या रहा है, ये। तो यहाँ पे हमारा जो पुराना कोड था वो हो गया फेल। तो अब इसको कैसे सॉर्ट करेंगे, यही हमारा आज का वीडियो टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा ये है फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी इफ देयर इज डुप्लीकेट सैलरी। तो सबसे पहले अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं क्या होगा। जैसे डुप्लीकेट्स है, तो डुप्लीकेट्स हटाने के लिए तो आप डिस्टिंक्ट यूज नहीं कर सकते। डिस्टिंक्ट यूज कर सकते तब जब ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर ये नॉर्मल लिस्ट होता तो हम डिस्टिंक्ट से इजीली इसको फिल्टर आउट कर देते डुप्लीकेट्स को, राइट। तो डिस्टिंक्ट वाला तो कैंसिल, वो नहीं चलेगा। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि या तो हम ये ग्रुप बाई कर लें सैलरी के बेसिस पे। सैलरी के बेसिस पे ग्रुप बाई कर लेंगे तो जो भी डुप्लीकेट्स होंगे वो उनका एक ग्रुप बन जाएगा, राइट। और उसके बाद हम लोग के पास एक ऐसा लिस्ट होगा, इसको हम सेट में रख लेंगे। तो एक ऐसा सेट होगा जो यूनिक वैल्यू अपने पास रखेगा, और उसी को हम लोग उसी पे अपना जो है nth हाईएस्ट सैलरी वाली लॉजिक जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग इसी लॉजिक से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है अपने पास, इम्प्लिस्ट है, राइट। तो इम्प्लिस्ट डॉट स्ट्रीम, इम्प्लिस्ट डॉट स्ट्रीम, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इसको हम लोग को सबसे पहले सैलरी निकाल लेते हैं, यानी सैलरी के बेसिस पे करना है। तो हम लोग इसको मैप कर ले, सॉरी फ्लैट मैप हो गया, मैप कर लेते हैं। और मैप में क्या कर लेंगे, मेथड रेफरेंस यूज कर लेते हैं, एम्प्लॉई मेथड रेफरेंस यूज कर लेते हैं, गेट सैलरी, ओके। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ग्रुप बाय यूज करना है, राइट। डॉट कलेक्ट, उसके बाद आएगा कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई। अब ग्रुपिंग बाई में भी हम लोग क्या करेंगे कि एक होता है फंक्शन डॉट आइडेंटिटी मेथड, आई होप आप लोग को पता होगा। एक्चुअली में आइडेंटिटी मेथड कुछ नहीं करता है, ये क्या करता है कि जो भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं वही सेम ये रिटर्न कर देता है, राइट। लाइक एक्स इक्वल्स रिटर्न्स टू एक्स, मतलब अगर आप लैम्डा में ऐसे कुछ लिखें, फंक्शन आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, ऐसे आप कुछ लिख रहे हैं एक्स और ये रिटर्न भी यही करेगा ऐसा कुछ, तो ये होता है फंक्शन डॉट आइडेंटिटी।
तो हम लोग यही पास करने वाले हैं इसके अंदर, ग्रुपिंग बाई के अंदर। तो सबसे पहले एक फंक्शन फंक्शन क्लास है, उसके अंदर होता है एक आइडेंटिटी मेथड। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या पास करेंगे, किस किस चीज में हम लोग को इसको स्टोर करना है, तो सेट में। तो कलेक्टर्स डॉट टू सेट। ओके, इतना करने के बाद हम लोग को इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो हम लोग अपने से कुछ जहमत नहीं उठाएंगे। हम लोग इसका नाम कुछ मैप कर देते हैं, मैप डेटा या मैप ही रहने देते हैं, और इसका एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं मैं ऐसे ही करता हूँ, है ना। ओके, तो ये हमें क्या दे रहा है, मैप दिया है जिसका की होगा डबल और वैल्यू में होगा सेट डबल। तो अपने को इस डबल से ही मतलब है, ये सेट डबल में क्या है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने ग्रुप बाई कर लिया, जो भी हमारी सैलरी थी उस सैलरी को ग्रुप बाई कर लिया, यानी हमारे पास, और उसको सेट में हमने स्टोर कर लिया, यानी हमारे पास यूनिक डेटा पड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना होगा कि इसमें से ये जो हमारा अभी मैप बना है, इस मैप पे वापस से हम लोग को कौन सा लॉजिक परफॉर्म करना है, तो nth हाईएस्ट सैलरी फाइंड करने वाला, ठीक है। क्योंकि मैप है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कलेक्शन क्लास पे आप डायरेक्टली स्ट्रीम यूज कर सकते हैं, बट मैप पे आप डायरेक्टली स्ट्रीम यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास एक एंट्री सेट होता है। ओके, मैप के पास उस एंट्री सेट पे आप स्ट्रीम यूज कर सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। मैप डॉट एंट्री डॉट स्ट्रीम। अब यहाँ से हम लोग जो आपका nth हाईएस्ट सैलरी फाइंड करने का लॉजिक है वो यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रीम, उसके बाद मैप यूज करेंगे। हम लोग क्या, हम लोग को किससे मतलब है, इस डबल यानी इस सैलरी से जो कि है की पे, तो इसको हम लोग निकाल सकते। अरे यार ये फ्लैट मैप हो गया, मैप तो इसको कैसे निकालेंगे, ई लैम्डा एक्सप्रेशन ई डॉट गेट की, ये आया ना। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधे मेथड रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो गेट की किसका मेथड है, तो अगर आप कलेक्शन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एंट्री क्लास है ना, इसके अंदर मेथड होता है। सेकंड, इसको इंपोर्ट कर लूं, गेट कांस्टेंट। एक सेकंड, पहले गेट की। और उसके बाद हम लोग को गेट की मैप कर लिया, और मैं बेटर रीडेबिलिटी के लिए इसके नीचे तोड़ लेता हूँ। गेट की मैप में हम लोगों ने की निकाल लिया, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद से हम लोग को सॉर्टेड, ताकि रिवर्स ऑर्डर में हम लोग सॉर्ट कर सके, सॉर्टेड। और इसके अंदर ये कॉम्परेटर वाला यूज कर लेंगे हम लोग, कॉम्परेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। ओके, तो ये हम लोग को रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे स्कीप। हम लोग को कितना निकालना था, थर्ड हाईएस्ट निकालना था, राइट, ये सेकंड, हाँ ओके, थर्ड हाईएस्ट, तो थर्ड नहीं फोर्थ हाईएस्ट निकालना था, तो हम लोग स्किप थ्री करेंगे, यानी फोर्थ हाईएस्ट निकालेगा, स्किप डॉट फाइंड फर्स्ट। ओके, तो ये लॉजिक तो सेम ही है जो ऊपर था, ऐसे ही स्किप रिवर्स जो भी था और फाइंड फर्स्ट। अब इसको भी किसी डेटा में स्टोर करा लेते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं डेटा इक्वल्स टू, एंड इसका भी लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो इस वाले लाइन से हमने क्या किया कि हमने जो भी हमारा ग्रुपिंग बाई हो के आया था उस पार्टिकुलर सैलरी पे, जो यूनिक सैलरी अब बन गई थी, उस पे हम लोगों ने स्ट्रीम किया, वापस से हमने की निकाला मैप से और उसको सॉर्ट कर लिया रिवर्स ऑर्डर में। फिर हम लोग को जो भी चाहिए था उतना स्किप कर लिया, जैसे हम लोग फोर्थ हाइस्ट निकाल रहे हैं तो हमने स्किप थ्री किया, फाइंड फर्स्ट किया, और उसको एक डेटा में स्टोर करा लिया। अब बारी है हम लोग को प्रिंट कराने की।
तो चलिए प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेटा डॉट गेट, क्योंकि ये ऑप्शनल है तो ऑप्शनल के पास एक गेट मेथड होता है जो हम लोग को डेटा ला के देगा। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। ओके, तो ये 12,000 हम लोग को मिला, 12,000 यानी फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और ये फोर्थ हाईएस्ट, 12,000 जो कि सही है। ठीक है, अब अगर मान के चलिए हम लोग निकालते हैं थर्ड हाईएस्ट, सेव करते हैं, थर्ड हाईएस्ट निकालते हैं, रन करते हैं इसको, 27,000 वो भी सही है, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और ये थर्ड हाईएस्ट, देख रहे हो। नहीं तो अगर जो पुराना हमारा कोड था यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड हाईएस्ट निकाल रहे थे तो ये देखो क्या देगा, 40, राइट। देखो ये ऊपर वाला 40 दे रहा है, नीचे वाला 27,000 दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है nth highest सैलरी अगर विथ डुप्लीकेट्स निकालना हो तो ये वाला यूज करो, विदाउट डुप्लीकेट्स निकालना हो तो ये वाला यूज करो। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दो चैनल को, उल्टे ही बोल दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।